निधक हारीकट केनाल का जो मामला आपने उठाया, आपके कई सारे सवाल का वाटर सप्लाई कमेटी चेयरमैन जवाब नहीं दे पाए, आखिर में मेयर ने कमिश्नर को आगे किया, अब क्या डिमांड है आपकी? सबसे पहले तो कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा खारीकट कैनाल जो 1200 करोड़ की लागत से बन रही है, जिसकी डिज़ाइन चेंज कर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका रिवाइज प्लान नहीं रखा, रातों रात उसकी डिज़ाइन बदल दी। आज सदन में कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मुद्दे पर जब प्रश्न पूछा गया कि इतनी बड़ी डिज़ाइन का हेर फेर क्यों हुआ गया, तो वाटर कमेटी के चेयरमैन ने उनका जवाब दिया जो संतोषकारक नहीं था, जो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, रिटर्न में कहीं पर नहीं लिखा गया है कि डिज़ाइन को क्यों बदला गया और कैसे बदला गया है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को आगे रखा गया और कमिश्नर को आगे रख जब जवाब देने की बात आई, तो भी कांग्रेस पार्टी की एक ही मांग थी, यदि आपने टेंडर में यह बताया गया है कि आपने दोनों डिज़ाइन का उल्लेख किया है, तो आप रिटर्न में बताइए कि टेंडर में दोनों डिज़ाइन के बारे में आपने किया है। लेकिन अभी तक अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक भी बार बताया नहीं गया है कि टेंडर का क्लॉज क्या है और टेंडर में क्या लिखा गया है। संतोषकारक जवाब ना मिलने पर कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि आने वाले समय में खारीकट कैनाल में एक PIL दाखिल हाईकोर्ट में की जाएगी और हाईकोर्ट पर इसकी चर्चा की जाएगी कि इतना बड़ा कैनाल का भ्रष्टाचार डिज़ाइन बदल के यदि हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है और उसे हाईकोर्ट के दरवाजे पर ले जाया जाएगा। ¡Gracias!
इतने बड़े प्रोजेक्ट में जहां पर जनता के 1200 करोड़ रुपए लगे हुए हो, उस भाई साहब ने प्रीकास्ट के बॉक्स ही नहीं डाले और उसे कास्टिंग सीटू की सिर्फ दीवार बना बना कर सिर्फ ढकने का कार्य किया गया। माननीय मेयर श्री, दूसरा जो कॉन्ट्रेक्टर था रेल विकास निगम लिमिटेड, माननीय मेयर जी, उसके पास प्रीकास्ट के बॉक्स पड़े हुए थे, तो उसने उस प्रीकास्ट के बॉक्स वहां पर डालना शुरू किया। माननीय मेयर जी, उसे पता चला कि जब पहली वाली कंपनी प्रीकास्ट के बॉक्स नहीं डाल रही है तो मैं प्रीकास्ट के बॉक्स क्यों डालूं, जब वो काम नहीं कर रही है तो मैं वो काम क्यों करूंगा। तो माननीय मेयर जी, उसने भी कुछ जगह प्रीकास्ट के बॉक्स रखे। उसके बाद जब उसे पता चला कि पहली कंपनी वो कार्य नहीं कर रही है तो माननीय मेयर जी, प्रीकास्ट के बॉक्स रखना उसने भी बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तीसरा वाला भाई साहब जिसका नाम है कलथिया, वो इंतजार करके बैठा हुआ है वहां पर कि उन दोनों की लड़ाई में कौन सा बॉक्स कौन यूज करेगा। माननीय मेयर जी उस लड़ाई का इंतजार कर रहा है और सिर्फ दीवार रखकर उसने काम को छोड़ दिया गया है कि मैं प्रीकास्ट के बॉक्स लगाऊं या कास्टिंग सीटू करूं, जब तक इन दोनों का निर्णय नहीं आएगा मैं अपना कार्य नहीं करूंगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मेयर जी, इतने सालों के बाद जिसका कार्य हो रहा हो, माननीय मेयर जी 1200 करोड़ का जिसका इतना बड़ा मातबर रकम हो, उसकी ऐसे ही डिजाइन चेंज कर दी जाती हो रातों रात और किसी को उफ तक पता नहीं चलता, कोई उफ तक बोलने को तैयार नहीं होता। माननीय मेयर जी, मैं समझता हूँ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इतिहास में इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये पहली बार ऐसा हो रहा हो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की रातों रात डिजाइन चेंज कर दी जाती हो। और माननीय मेयर श्री, यहाँ पर फाइल में क्लियरली लिखा गया है कि दोनों बॉक्स साथ में यूज करने हैं। माननीय मेयर श्री, आपके अधिकारियों को पूछा गया, आपके अधिकारियों ने यह जवाब दिया गया मुझे मिसगाइड करने के लिए कि हमने तो दो अलग अलग डिजाइने ली गई है। माननीय मेयर श्री, अब ये तो सीधी, माननीय मेयर श्री, हम इंजीनियर नहीं है लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि कोई 12 किलोमीटर का प्रोजेक्ट हो या 12 किलोमीटर की सड़क बनानी हो तो एक जगह RCC, एक जगह डांबर, एक जगह व्हाइट टॉपिंग तो नहीं किया जाएगा ना। माननीय मेयर श्री, पूरी डिजाइन एक जैसी हो, प्रीकास्ट हो, कास्टिंग सेटू की डिजाइन जब प्रेस के माध्यम से आप कह रहे हो, आपकी फाइल में लिखा हुआ हो, आपके टेंडर में लिखा हुआ हो और आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट की डिजाइन चेंज कर देते हो, माननीय मेयर श्री, बहुत बड़ी शर्म की बात है। माननीय मेयर श्री, यही प्रोजेक्ट के लिए आपने अभी, भाई साहब मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, माननीय मेयर श्री उनका नाम लिखा हो तो बात। माननीय कमिश्नर श्री, माननीय डेप्यूटी कमिश्नर श्री, स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन श्री, शासक पक्ष ना नेता श्री, शासक पक्ष ना दंडा श्री, विरोध पक्ष ना नेता श्री, मारा सौ म्युनिसिपल काउंसिलर श्रीओ, साथियों, प्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ना मित्रों, कॉर्पोरेशन ना कर्मचारीगण, माननीय मेयर श्री, હું આપની સામે એક ખૂબ જ અગત્યની વાત પર પ્રકાશ પાડીશ, કેમ કે બજેટ સત્ર દરમિયાન એ સર પછી ત્યારે 3 મહિના પછી આપણને બોલવાનો એક મોકો મળ્યો છે અને આચાર સંહિતાના અમલના હિસાબે આ ખૂબ જ અગત્યની માહિતી જે સંકલન વિભાગ પાસેથી માંગી હતી તેના કેટલાક પુરાવા આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું। પાણીની પાઇપલાઇનની ખરીદી પાછળ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 2016-17 માં 33,53,53,53 જેટલી માતબર રકમ, 17-18 માં 24,88,07,070 રકમ, 2018-19 માં 52,58,842, 2019-20 માં 79,24,83,170, 2020-21 માં 88,05,08,285, 2022-23 માં 2021-22 માં 42,20,21,23,043 અને 2022-23 માં આ જ રકમ પાઇપલાઇનની ખરીદી પાછળ માન્ય 77,56,53,758 અને લાસ્ટમાં 1/4/2023 થી 31/12/2023 સુધીમાં જે પાણીની પાઇપલાઇનની માન્ય મેયરની ખરીદી કરવામાં આવી હતી કોર્પોરેશનની પોતાના રેકોર્ડ મુજબ 41,14,40,057 માન્ય મેયર શ્રી, ટોટલ 8 વર્ષનો ડેટા મારી પાસે જે ઉપલબ્ધ થયેલો છે અને સંકલન વિભાગ દ્વારા મારા પૂછેલા પ્રશ્નોનો જવાબ પણ આપવામાં આવ્યો છે। અતિ ગંભીર બાબત શું છે, કરોડો રૂપિયા આપણે કોર્પોરેશન દ્વારા બજેટમાં ફાળવવામાં આવે
8 વર્ષની રકમ સૂચવેલી પ્રમાણે પાણીને પાઇપલાઇનોની ખરીદી કરવામાં આવે અને જ્યારે કોર્પોરેટરો દ્વારા બજેટ આપવામાં આવે અને ખાસ કરીને મધ્ય ઝોનની વાત હોય કોર્પોરેટરનું પોતાનું બજેટ 1 લાખ 1.5 લાખ કે 2 લાખ જેવું નાનું બજેટ પણ જ્યારે પાણીની પાઇપલાઇનમાં આપવામાં આવે તો સંકલન વિભાગ જે આપનું પોતાનું જે પ્રોસેસ કરે છે જ્યારે ખરીદી કર્યા પછી સેન્ટ્રલ સ્ટોરથી જે અમારા મધ્ય ઝોનને વોર્ડ સુધી પહોંચે છે તે મેનેજમેન્ટની જવાબદારી કોની હોય કે જ્યાં 6-6 મહિના સુધી પાણીની પાઇપલાઇનો નાખવામાં નથી આવતી કરોડો રૂપિયાની આપણે વાત કરતા હોઈએ ટોટલ દેને 438,63,35,199 રકમ જે ટોટલ 8 વર્ષની બતાવે છે તો શા માટે દરેક વર્ષની અંદર આશરે આપણે 48 કરોડ રૂપિયા ખર્ચીએ છીએ તો પાણીની લાઇનોની અંદર શા માટે મધ્ય ઝોનની અને દરિયાપુર વોર્ડમાં કોર્પોરેટરના બજેટની અંદર જો આટલા 3-3 મહિના 4-4 મહિના 6-6 મહિના સુધી પાણીની પાઇપલાઇનો નાખવામાં ના આવે તો નિષ્ફળતા કોની કહેવાય એ મને આપના માધ્યમથી જાણવા માંગુ છું।